हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन इनक्रेडिबल फिजिक्स बाय नीरज सिंह। तो जैसे कि स्टूडेंट, मैं आप लोगों को जैसे कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो आज जो न्यूमेरिकल यूनिट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस का, तो आज जो न्यूमेरिकल है वो एरर एनालिसिस का है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है और जो बुक है वो आप लोगों को पता ही है, न्यूटन फिजिक्स की है। तो 17 न्यूमेरिकल्स है। तो इसमें क्वेश्चन मैं पहले आपको रीडिंग लगा रहा हूँ। इफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज पी इज इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी एंड द परसेंटेज एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी एंड सी आर 1%, 2% एंड 3%, ओके स्टूडेंट, रेस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी पी। देखिए पी के बारे में बोला इसने, इसने आपको ये एक एक्सप्रेशन दिया पी बराबर ए क्यू बी स्क्वायर अपॉन सी। तो पहले तो स्टूडेंट ये आप लोगों को बता दें कि इसने P का जो है परसेंटेज एरर पूछा इसने, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, और A का परसेंटेज एरर और B का परसेंटेज और C का परसेंटेज, तीनों को 1, 2, 3% इसने दे रखा है। तो एक तो स्टूडेंट आप लोग बताते हैं, क्योंकि आप ये देखें एक ये जो एक्सप्रेशन है इसको पार्शियल डिफरेंशियल करके हम लोग लॉग की हेल्प से, मतलब हम लोग जो इसका एरर एनालिसिस फॉर्मूला बनाएंगे वो फॉर्मूला ये बनेगा डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 मैक्सिमम। अब मैक्सिमम वर्ड है तो ये सी जो ऊपर जाके ये निगेटिव हो जाएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वर्ड जब एरर मैक्सिमम परसेंटेज एरर आता है तो नेगेटिव साइन भी पॉजिटिव है। तो हमारा फॉर्मूला है 3। अब आप पूछेंगे 3 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे ए की पावर 3 थी, ये 3 आगे आ जाएगा, बाकी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 डेल्टा ए इट इज ए लीस्ट काउंट ऑफ द ए, ओके। ऐसे यहाँ बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 लिखेंगे, डेल्टा बी इट इज ए लीस्ट काउंट ऑफ द बी, ओके स्टूडेंट। ऐसा सी अपॉन नीचे, ये नीचे से ऊपर गया, यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए लेकिन क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज एरर है पी का तो हम लोग इस नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देंगे एंड यू विल गेट द डेल्टा सी अपॉन सी। डेल्टा सी स्टैंड फॉर द लीस्ट काउंट ऑफ द सी, ओके स्टूडेंट। तो अब अंडरस्टूड है हमारा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू 1%, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 की 2% एंड डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 की वैल्यू 3% है। तो ये 1%, 2%, 3% यहाँ पे 1%, 2% और 3% यहाँ रिप्लेस कर देंगे और 3 लिखा तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये 3% आ गया, 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करा 4% आ गया और अंडरस्टूड यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे 3% और 3% आ गया। आपने सारे परसेंटेज को आपने जोड़ दिया तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 मैक्सिमम जो आएगा वो 10% आपकी परसेंटेज एरर आ जाएगा, किसका, पी का, ओके स्टूडेंट। तो ये मैंने आपको तरीका बताया एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस हमेशा इस तरह से करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं और ये फाइनल आंसर हमारा आ गया 10%, जो कि बुक में भी यही आंसर है, ओके स्टूडेंट। तो आई थिंक आपको एरर एनालिसिस का ये जो 17 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, और मैंने अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और फॉर नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, और हाँ अगर इसको सब्सक्राइब अगर आप कर सकते हो कर सकते हैं, और हाँ जो स्टूडेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अगर क्लासेस लेना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओके स्टूडेंट। तो आप इसको देखेंगे, बाकी ये जो क्वेश्चन है 17 ये मैं आपको अभी पिक्स करके आपको आपको दिखा रहा हूँ, अभी अभी आपको दिखा दूंगा, उसको देख लीजिएगा, ओके स्टूडेंट। हाँ जैसे कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं 17 वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है, ये आप देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन इसको जूम इन कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किया है, इसको आप अच्छी तरह से पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लीजिएगा, आपकी टेक्स्ट बुक भी मिल जाएगा। और यही वाला क्वेश्चन मैंने 17 वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यही मैंने कराया, ओके स्टूडेंट, ओके बाय बाय।